तो मेरा प्लान ये है जैसे मेरा बैकग्राउंड अभी स्पेशल एड के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाना या फिर उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करना होता है तो अब जैसे तो मैं एक छोटे फॉर्म में काम कर रही हूँ लेकिन आगे मैंने सोचा है कि मैं खुद एक क्लिनिक या फिर होम वे सेंटर खोलूँ तो इट वुड बेटर फॉर दैम और फॉर मी टू बिकॉज मेरे जैसे कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं तो मैं उनको पर्सनली प्रोवाइड सर्विसेज देना चाहती हूँ अगर आप अपना ये सेंटर ओपन करते हैं तो उस सेंटर को ओपन करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी हाँ जी सर तो वो पैसा है आपके पास में नहीं नहीं है पीछे से फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नहीं और उस सेंटर को ओपन करने में कितना पैसा लगेगा अगर छोटा सा भी सेंटर ओपन करते हो तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप रेंट और देन अगर मैं ओटी ऑफिस स्पीच का भी अगर उसमें देखती हूँ तो बच्चों के जो इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चों की जो नीड्स होती है वो मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ वो सब कुछ आप खुद ही करवा पाएंगे उसके लिए आपको अलग से कोई अलग लोग मुझे ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे लेकिन अगर मैं अच्छा। हाँ लाइक एज अ स्पेशल एजुकेटर अगर करती हूँ तो सिर्फ ओनली आई कैन डू एवरीथिंग लेकिन अगर मैं अपने फॉर्म में और एडिशनल रखती हूँ रखती हूँ तो फिर मुझे ट्रेनर्स रखने, तो पड़ेंगे।, रखने पड़ेंगे हाँ जी तो इतने बड़े लेवल पे तो मैंने भी सोचा नहीं है लेकिन मैं छोटे लेवल पे सोच रही हूँ कि लाइक मैं जो कर सकू वो गुड आइडिया मतलब आप अपने लेवल पे कर सकते हो लेकिन उसको करने के लिए आपको बेसिक लेवल की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई जगह भी आप लोगे रेंट पे उसका रेंट पे करना है और फिर लोग कहा से आएंगे आपके पास में इनिशियली जो लोग होते हैं सर so जैसे नहीं। मैंने लिंकडिन पे अपना प्रोफाइल बनाया था तो मुझे कॉल्स आ रहे हैं अब लेकिन लाइक बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लेकिन मैं उनको हैंडल कर नहीं पाती हूँ फिलहाल तो क्योंकि होम ट्यूशन बोलते हैं तो मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं खुद का बना लूँ पूछ रहे थे कि अगर आपका घर पर है तो घर पर है या फिर कोई क्लिनिक है कोई सेंटर है तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं तो आप क्लिनिक क्यों बनाना चाह रहे हैं आप अगर जाएं उनके घर पे और घर पे जा करके अगर ये सर्विसेज ऑफर करें तो उसमें क्या दिक्कत होती है टाइम वेस्ट होता है सर थोड़ा सा बट पैसा भी तो ज़्यादा मिलेगा सर कुछ नहीं देते इतना ज़्यादा पैसा कुछ देते भी होंगे रेयर um, चांस होता है नेगोशिएबल तो हो ही जाता है सर जितना आप बोलते हो उतना तो कभी नहीं मिलता कितना मिलता है इफ़ आई एम आस्किंग लाइक फाइव फॉर वन चाइल्ड छोटी क्लास है

कितना पैसा लगेगा एक सवा लाख कितना लगता है? एक सवा लाख रुपए वहां लगेगा बट दैट इज वर्थ इट क्योंकि आप सीधा आठ दस हजार रूपए से भर करके सीधा बीस हजार रूपए पहुंच जाएंगे राइट सर इन तो नहीं है ना ट्वेंटी थाउजेंड तो एक बात बताइए कि जो ऐसे बच्चे होते हैं अगर वो किसी वेल ऑफ फैमिली से हैं यानी उनकी फैमिली अच्छा पे कर सकती है तब तो वो कितना पे करते हैं जैसे मान लो दिल्ली के कुछ बहुत अच्छे एरियाज है वहाँ पर कितना पे करते हैं या फिर मुंबई में कुछ बहुत अच्छे एरियाज है वहाँ पर कितना पे करते होंगे like, है? है. और ये डिप्लोमा किया हुआ है और मेरे को इतना एक्सपीरियंस है मैंने यहाँ काम किया हुआ, है, वहां काम किया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना पे करते हैं so, मुझे ऊपर पे नहीं करते हैं नहीं सर क्या आपको पूरी श्योरिटी है कि वो पाँच सौ पर डे से ऊपर पे नहीं करते हैं या फिर ये आपकी अपनी एजम्शन है नहीं सरशन नहीं मैंने पूछा हुआ है जो होम ट्यूशन देते हैं टीचर्स से क्योंकि इतना ही पे करना बेटर लगता है क्योंकि सर आप खुद सोचो अगर थर्टी डेज और फाइव हंड्रेड आराम से होगी इतना कौन ही पे करेगा एक स्कूल में एडमिशन ही करा देंगे बच्चे का या फिर मेरे से, बेटर, मेरे से अगर कोई और कम दे रहा होगा उनको पढ़ा रहा होगा तो फिर उसी को हायर करेंगे वो यूजुअली चार्ज करते हैं पाँच सौ रुपये छः सौ रुपये सात सौ रुपये मैक्सिमम आठ सौ रुपये बट मेरे एक फ्रेंड हैं जो चार्ज करते हैं चार हजार रुपये पाँच हजार रुपए पर विजिट तो पहले तो आपको अपने जो हॉराइजन है उसको ओपन अप करना है अपना जो दिमाग है उसको थोड़ा सा खोलो देखो कि कितना कितना लोग पे कर रहे हैं तो हो सकता है आपको एक अलग सेगमेंट नजर आए जहां पर पेमेंट बहुत ज्यादा है और एफर्ट उतना ही है अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप जवाब देना एक ब्रांड नेम है गाड़ी का जिसका नाम है फेरारी क्या वो महंगी है सस्ती है महंगी है सारे कह रहे हैं महंगी है बट डिपेंड यह करता है कि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है अगर एक बिलेर हो तो उसके लिए क्या है सस्ती।, सस्ती है उसके लिए सस्ती नहीं है उसके लिए खिलौना है ब्लेनियर का मतलब है जिसके पास में आठ करोड़ रुपए है बैंक अकाउंट में उसके लिए चार करोड़ क्या है उसके लिए दैट जस्ट अ टॉय और जिसके पास में पैसा ना हो उसके लिए महंगी है तो महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है सबसे पहले तो इसको समझो ये बहुत गहरी बात है बट आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग समझ पाओगे कितने नहीं महंगा और सस्ता डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको टारगेट कर रहे हो किसी ऐसी फैमिली को टारगेट करोगे जिनकी इनकम है महीने की मान लो दस लाख रुपए तो उनके लिए बीस तीस हजार रुपए कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए बट ऐसी किसी फैमिली को टारगेट करोगे जिनकी मंथली इनकम है मान लो एक लाख रुपए उनके लिए दस हजार रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट है तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको टारगेट कर रहे हो और बिजनेस में कभी भी सबको टारगेट नहीं करना चाहिए सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए कि मेरा टारगेट सेगमेंट क्या है जैसे मैंने अभी बोला मेरे जो फ्रेंड है फिजियोथेरापिस्ट वो एक सेशन का चार हजार रुपए चार्ज करते हैं क्या महंगा है सस्ता है डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज पेइंग चार हजार रुपए एक घंटे का और ऐसे भी लोग हैं जहां पर आप जाओ जिन क्लिनिक में वो एक सेशन का दो सौ रुपए चार्ज करते हैं तब आप कहोगे उनको चार हजार कोई क्यों देगा वो सर्कल ही अलग है उनके लिए चार हजार रुपये सस्ता है किसी और के लिए बहुत महंगा है ऐसे ही ये जो आप काम कर रहे हो अगर इसको आप प्रॉपरली पहले डिफाइन कर पाओ अपने टारगेट सेगमेंट को कि मैं इनको टारगेट करने वाली हूं क्योंकि मेरी एक बात ध्यान से समझ लेना चाहे आप साइकिल बेचो चाहे बहुत बड़ी गाड़ी बेचो मेहनत दोनों में बराबर है उधर भी आपको दो परसेंट मिल रहा है और तीन हजार यानी कि साठ रुपए उधर भी आपको दो परसेंट मिल रहा है टू परसेंट ऑफ फिफ्टी लैख दैट इज वन लैख जो साइकिल खरीदने आएगा वो भी दस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो गाड़ी खरीदने आएगा वो भी दस तरह के क्वेश्चन पूछेगा अगर आप मेरी विजन को समझ पा रहे हो और मैं आपकी जगह तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि किस तरह से मैं उस नेटवर्क में एंटर कर सकूं जिनकी पेइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि पाँच सौ रुपये सेशन का मतलब क्या हो गया महीने का पंद्रह हज़ार रुपये ऐसे अगर आपने मान लो पांच फैमिली से भी ले लिया तो वो हो गया पचहत्तर हज़ार रुपये जो मैंने अभी बोला क्या वो समझ आ रहा है आपको यहाँ तक बताइए क्या समझ आ रहा है कि इससे बेटर है कि अगर मैं कुछ टेन टू फाइव फैमिलीज को टारगेट करती हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है एंड दे कैन पे मी जितना मैं मांगती हूँ उनसे तो इट्स बेटर कि मैं वो करूँ तो अब ये कैसे होगा अब एक नया चैलेंज है यहाँ पर कि आपको ऐसे लोगों तक पहुंचना है so, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो और प्लस उनको रिक्वायरमेंट भी हो यानी कि उनके बच्चे को स्पेशल नीड्स के एक ट्रेनर की टीचर की रिक्वायरमेंट भी हो तो अब ऐसे लोगों को आप कैसे ढूंढोगे ऐसे लोगों तक पहुंचोगे कैसे सर नेटवर्क बिल्ड करने पड़ेंगे कैसे सर रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा आई एम सॉरी टू से बट इट मे नॉट वर्क बिकॉज आप कह रहे हो मेरे को अपने रिलेटिव के थ्रू करना पड़ेगा आई एम अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड राइट

इन्वॉल्व हो सकते हो तो धीरे धीरे लोग जानने लग जाएंगे फिर उनको मैसेज कर सकते हो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस अब वो कैसे होगा आपको देखना होगा इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो लोग इस फील्ड में बेस्ट हैं वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं उनकी वेबसाइट होगी उनकी लिंगड पे कैसी प्रोफाइल है क्या क्या लिख रखा है कैसे लिख रखा है कैसे, कैसे फोटोग्राफ्स लगाई हुई है आपको वहां एक पैटर्न नजर आएगा जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं वो एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अगर वो आपको समझ आ जाए और उस तरह से आप अपने आप आप को प्रेजेंट करो तो सामने वाले के माइंड में एक इमेज बनेगी कि आप इस पर्टिकुलर लेवल पे हो और कुछ आइडिया आ रहा है किसी के माइंड में कि इनको उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे ये, है ना? like there is a foundation named muskan foundation it's i don't remember the exact name it's in malviya nagar i guess so there people who work there are people with special needs so all the uh, uh, no, household chores or anything they are working for their survival their needs their necessities they are the people with special needs and i think building a community with them reaching out them and like

पहले जो आपका जो टारगेट सेगमेंट है उससे कौन कनेक्ट हो रहा है यानी कि जो आपका गोल है वो बिल्कुल क्लियर है है कि मुझे मुझे एक सेशन का से कम में काम काम नहीं करना चाहे छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं पांच सौ रुपए से कम में काम नहीं करूंगी तो इसमें क्या होता है शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है मतलब आसान रास्ता क्या है कि सामने वाले ने बोला कि मैं तो दो सौ रुपए दूंगा एक सेशन का महीने का छह हजार रुपए करना करो नहीं करना मत करो आप कहोगे हाँ ठीक है कर लेती हो ना कुछ तो आ ही रहा है जा क्या रहा है जो आप तो मैंने वैसी छोड़ दी है अब छ हजार रुपये मेरे को तो चाहिए ना तो जहां आपने ये काम किया वहीं आप फंस गए बिकॉज द मोमेंट यू गो टू समन मांगेगा कि आप बताओ कि आपने और किस किस के लिए काम किया है तो आपके पास में कुछ अच्छी रिकमेंडेशन होनी चाहिए और वो रिकमेंडेशन जब कोई करेगा तो वो उस लेवल का होना चाहिए अगर आपने अपना गोल बनाया है कि मेरे को इस लीग में एंटर करना है तो उससे कम में नहीं जाना काम शुरू में नहीं करना है और अगर कर भी रहे हो तो इस तरीके से करना है कि उनको यह बोलना है कि यूजली आई चार्ज फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर अ सेशन बट इन योर केस आई चार्ज फोर हंड्रेड लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप यही बोलना कि मैं फाइव हंड्रेड पे करता हूं तो आपकी मार्केट खराब नहीं हो रही गॉट इट ये इस तरीके से करके आपको आगे बढ़ना है